चुके द स्नो फुल वाइट और अभी भी चांसेस है कि स्नोफॉल होने वाला है बाहर की ओर। इस तरफ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया अभी। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मनाली में स्नोफॉल हो रहा है या नहीं, या स्नोफॉल स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया। सो इस वीडियो में मैं आपको वही जगह दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कहां कहां स्नोफॉल हो रहा है और क्या अपडेट्स है रिगार्डिंग मनाली। और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आई विल टेल यू क्या मैंने स्टार्ट किया और क्यों मैं मनाली शिफ्ट हुआ। सो अभी चलते हैं आगे और धीरे धीरे आपसे बात करता हूं, मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। और अभी कल काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था यहाँ पे, आज मौसम बहुत अच्छा है। दो दिन से मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी अच्छी खासी और अभी पहाड़ों में स्नोफॉल हो चुकी है स्टार्ट। तो एज़ यू कैन सी मेरे सामने जो पीक दिख रही हैं आपको सारी वाइट ये सब स्नो से कवर्ड हो रखी है, सारी स्नो से कवर्ड हो रखी हैं पीक्स। इवन ऑन दिस साइड अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सारी पीक स्नो से कवर्ड हो चुकी है। तो आज मौसम खुला हुआ है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अटल टनल साइड जा सके अगर हमें परमिशन मिलती है, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया था उस तरफ, तो मोस्ट ऑफ़ द व्हीकल्स को अलाउड नहीं कर रहे थे जाने के लिए। और मेरी 4x4 नहीं है तो मुझे अलाउ करेंगे, बट लेट्स सी ट्राई करते हैं। अगर अभी तक ओपन हो गया होगा रास्ता तो जा सकते वहाँ तक जाएंगे। एंड व्हेन आई से कि मनाली में स्नोफॉल हुआ है, डेट मीन्स मनाली के आसपास का जो एरिया होता है ना, थोड़ा सा ऊपर की साइड में, वहाँ पे आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। क्योंकि मेन मनाली जो मॉल रोड के आसपास अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे स्नो तो वो अभी नहीं होता है, वो 25 दिसंबर के बाद ही होता है। बट आसपास के एरिया में जैसे 3 से 4 किलोमीटर आगे पीछे जाओगे, आप सोलांग जाओगे या सिसु चले जाओगे, 10-20 किलोमीटर पे सिसु है यहाँ से, तो वहाँ अगर आप जाते हो तो वहाँ आपको स्नो तो मिलेगा ही मिलेगा अगर अभी आप आते हो तो मनाली। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है मनाली विजिट करने का, अगर आपको स्नो, फ्रेश स्नो देखना है एकदम, और मौसम एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता अभी के टाइम पे, धूप भी होती है और अच्छा खासा स्नोफॉल भी दिख जाता है, स्नो भी दिख जाती है आपको। और अभी के टाइम पे अपडेट ये कि रोहतांग पास ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, बंद कर दिया उन्होंने रोहतांग पास, और उसके आगे बाकी जगह कहीं जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्नोफॉल के कारण काफ़ी गाड़ियाँ स्टक हो जाती हैं इन रास्तों पर। तो अभी आगे चलते हैं सोलांग वैली तक, देखते हैं वहाँ पर क्या कंडीशन है अभी, और आपको नज़ारों का मज़ा दिलाता हूँ मैं यहाँ पर। तो अभी चलते हैं आगे सोलांग वैली की तरफ। सीट बेल्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, सो लेट्स गो। एज यू कैन सी अभी मैं रास्ते में रुका हुआ था, काफ़ी ज़्यादा पीछे स्नो है, मौसम भी ख़राब हो रहा है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ऊपर पूरा फिर से मौसम ख़राब हो रहा है और अच्छी खासी स्नो पड़ गई थी कल रात को ना। अब यहाँ से चलते हैं सोलांग वैली की ओर। बाकी कभी अब अगर आप मनाली आते हो तो यहाँ पर रुक के बर्गर वगैरह खा सकते हो, व्यू काफ़ी अच्छा है। और ये रोड जो है ना ये सोलांग वैली की तरफ जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फूड ट्रक्स और फूड जॉइंट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, तो यहाँ रुक सकते हो या नज़ारों का मज़ा लेते हुए आप लोग खाना पीना खा सकते हो, एक एज अ छोटा ब्रेक ले सकते हो। और ये पीछे देखो कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है अभी, इस तरफ की ओर है सोलांग वैली। अभी चलते हैं यहाँ से आगे सोलांग वैली, मुझे नहीं पता लगता कि आगे जाने की जगह होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट है अभी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आगे जाके। मैंने मैप में भी चेक किया था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा रहा था, तो अभी जितना हो सकेगा आगे जाऊँगा, चेक करूँगा अगर जा पाऊँगा तो, अदरवाइज़ ड्रोन तो है ही, ड्रोन शॉट लेंगे और चेक कर देखते हैं कितना स्नो हुआ है, कितना कहां तक स्नो हुई है। सो आके मिलता हूं मैं आपको सीधा सोलांग वैली में। आ
चुके हैं हम लोग सोलांग वैली और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, एज यू कैन सी बहुत ट्रैफिक है। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं और यहाँ स्नोफॉल हो चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ी बहुत सोलांग वैली पड़ी है, बट सामने की ओर जो दिख रहा है ना वो एरिया वहाँ पर पूरा स्नो हो रखा है यहाँ पर। अभी देखते हैं आगे कहाँ तक जा पाते हैं, मुझे लगता नहीं ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। मैं गाड़ी देखता हूँ आगे से कहीं यू टर्न होगा तो लूँगा और फिर कोठी साइड जाने की सोच रहा हूँ मैं। यार बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा भाई, मतलब गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, आधे घंटे से फंसा हूँ मैं यहाँ पे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने कुछ स्टार्ट किया अपना मनाली में, सो आई हैव स्टार्टेड माय ओन बैकपैकर्स और हॉस्टल एक स्टार्ट किया है मैंने, जो बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स के लिए होता है। तो अगर आपको उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जस्ट इन केस यू वांट टू चेकआउट, और उसका बुकिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आपको बुक करना, अगर आप कुल्लू मनाली आने वाले हो, मनाली आने का प्लान कर रहे हो आगे फ्यूचर में, तो आप उस लिंक के थ्रू बुक कर सकते हो एंड यू कैन सपोर्ट आवर बिजनेस एज वेल। और उसके अलावा जो उसके अगर आपको वीडियोज़ देखनी है उसके बारे में, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, YouTube कार्ड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, सो दैट यू कैन चेकआउट द हॉस्टल, किस तरह का हॉस्टल है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या अवेलेबल है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। और अभी चलते हैं सोलांग वैली की तरफ, ऑलरेडी सोलांग वैली में है और उस सामने का एरिया दिख रहा है, ये सारा स्नो से कवर्ड है ये पूरा पहाड़, और उस तरफ का भी ये पूरा स्नो से कवर्ड है ये सारा। तो मतलब कल धुंधी तक बर्फ़ पड़ चुकी है अच्छी खासी, और धुंधी पड़ता है यहाँ से सोलांग वैली से 7 किलोमीटर और आगे पड़ता है। पर मुझे लगता है सोलांग वैली से 1-2 किलोमीटर और आगे जाओगे तो आपको स्नो मिल जाएगी अभी के टाइम पे, बट अगर आप थोड़े दिन और के बाद आओगे तो आपको सोलांग वैली में ही स्नो मिल जाएगी। अभी देखते हैं यहाँ से निकलने का, यार यू टर्न भी नहीं ले सकता मैं यहाँ से, अभी देखते हैं क्या करना है, आगे से यू टर्न लेना है क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं आगे बर्फ़ जमी हुई है, अभी ये गाड़ी तो नहीं जा पाएगी वहाँ पे। और सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, पता नहीं अभी कर क्या रहे हैं भाई, ये बड़ा मुश्किल है विंटर सीज़न के टाइम पे, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं अभी, तो अभी मैं आ गया हूँ सोलांग वैली से हल्का सा नीचे, 1-2 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ क्योंकि वहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था और आगे जाने नहीं दे रहे थे, और वहाँ पे स्नो भी थी तो गाड़ी चल भी नहीं पाती मेरी, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैं नीचे आ गया टू बी ऑन अ सेफर साइड। और यहाँ से द बेस्ट पार्ट इज़ वी हैव अ ड्रोन, सो लेट्स फ्लाई ड्रोन और देखते हैं किस तरह का व्यू है ऊपर की ओर, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहीं खड़ा था तो यहीं से ड्रोन उड़ाते हैं अभी यहाँ से ना। सो गाइज मैं वापस आ गया हूँ नेहरू कुंड के पास, अपना सोलांग वैली से 6-7 किलोमीटर नीचे की ओर जो एरिया मैंने आपको दिखाया था, बर्गर जहाँ पे जॉइंट्स वगैरह हैं, फूड ट्रक्स वगैरह हैं, तो उस जगह पे आ गया हूँ। आई होप वो आपको अच्छा लगा होगा ड्रोन शॉट्स, और उसके बाद कैसा वेदर है, किस तरह का अभी सीन चल रहा है सोलांग वैली में, तो आपको पता लग ही गया होगा कि टूरिस्ट एकदम से काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं क्योंकि स्नोफॉल हो चुकी है हर जगह मनाली के आसपास के एरियाज़ में। तो अगर आप अभी मनाली आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है, थोड़ा बहुत वार्म भी है, नॉट एज़ कम्पेयर टू डिसम्बर, डिसम्बर में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, प्लस बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बट अगर अभी आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, थोड़ा सा प्राइजेस भी कम रहते हैं, सस्ता रहता है थोड़ा सा मनाली अभी, पर डिसम्बर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और जैन में अगर आप आते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो मज़ा भी नहीं आता उतना, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है अगर आप आना चाहते हो स्नोफॉल इन्जॉय करने के लिए या फिर फ्रेश स्नो देखनी है अगर आपको, तो आप अगर अटल टनल जाते हो तो आपको फ्रेश स्नो मिल जाएगी। और अभी अटल टनल तो क्या धुंधी, जैसे कि सोलांग वैली से आधा 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो वहाँ आपको स्नो मिल जाएगी अभी। तो आगे आने वाले कुछ दिन में वेदर तो क्लियर दिख रहा है, बट फिर से मंडे को ऐसा है कि वेदर फिर से ख़राब होगा तो फिर से स्नो हो सकती है। तो अगर आप इस वीकेंड अगर मनाली में हैं तो मंडे के आसपास आप जा सकते हैं सोलांग वैली साइड या फिर अटल टनल साइड स्नोफॉल इन्जॉय करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि
मैंने मनाली में अपना खुद का बैकपैकर्स वाला हॉस्टल स्टार्ट किया हुआ है, अप्रैल में स्टार्ट किया था मैंने, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। अगर मैं उसका नाम डिस्क्रिप्शन में लिंक, लोकेशन, बुकिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें, सारी ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जस्ट इन केस इफ़ यू ना कम एंड विजिट अस। और अगर आप मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप आ सकते हो मनाली, स्टे कर सकते हो हमारे साथ। आई विल हेल्प यू इन एनी वे आई कैन। अगर आपको मनाली के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करना हो, कौन सी ऑफबीट जगह के बारे में पता करना हो, तो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और मैं पर्सनली आपको हेल्प कर दूंगा जो भी मुझसे होगा जितना भी। उसके अलावा ये तो अपडेट था रिगार्डिंग मनाली का वेदर, जो भी लाइफ में चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक अपडेट था। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद मेरा प्लान है ये वीकेंड में हमता साइड जाने का, तो अगर मैं चीका तक जाता हूँ थोड़ा बहुत हाइकिंग के लिए तो मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मैं हमता गया तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि वो आधा रास्ता ख़राब है काफ़ी ज़्यादा। सो ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड गुड बाय गाइज़।